14 अगस्त 2018 को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट को रिपील किया गया। ये जो कानून था ये 1993 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास करके राष्ट्रपति का असेंट इसको मिला था। 1993 से भारत में जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना था, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था नहीं थी। 2018 में 102वां संविधान संशोधन करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 338 में 338 कैपिटल बी ये ऐड किया गया और संविधान में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की व्यवस्था की गई। जब संविधान में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की का प्रावधान डाल दिया गया तो इधर से जो 1993 के कानून के तहत नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना था उसको रिपील कर दिया गया 14 अगस्त 2018 को, और 11 अगस्त 2018 को असेंट मिला था 102वां जो संविधान संशोधन था उसको। तो 14 अगस्त 2018 के बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 खत्म हो गया और उसके कुछ दिनों बाद जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित जो है रूल नोटिफाई हुए और उसके बाद से अब जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी न होकर के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है।